नीमाकोल के पासवान नगर में हैं हम, और ये वो पासवान नगर है जहाँ पे सोनू पढ़ाने आया करता था, और आज एक सोनू के लिए सभी लोग सोच रहे हैं, अनेकों सोनू के भविष्य को दिखाने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। कितने लोग अभी तक पासवान नगर में आए हैं पासवान नगर की स्थिति को देखने? पप्पू यादव आए थे, अब तो अभी कोई आए हैं नहीं पटी नहीं। सुधार क्या क्या? सुधार तो उनसे गुहार लगल गया कि हमारा सोनू के ले जा रहे हैं, तब बच्चा सब को भविष्य गार्जियन सब कहने लगे कि इसको पढ़ावेगा। अच्छा, आपके बस्ती में मनीष भैया भी आए थे क्या? वो है तो मेन है, मनीषे जी तो हैं मेन कि इतना आगे बढ़ा दिए। हाँ, अगर वो नहीं रहते तो वो उनके सबसे ज़्यादा भूमिका है। हाँ, वो है बेचारा, बहुत आए हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा वही मेहनत भी किए हैं गांव पर आकर के। हाँ, तो पासवान नगर में और कितने लोग आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यहाँ की स्थिति को दिखाना चाहिए कि नहीं? वो तो बहुत अच्छा बात है, आकर के देखें, सबको ना देखिएगा जी, एक वो सोनू नहीं ना है। हाँ, सही बात है, यहाँ आकर के दिखाइए। जैसे कि इनके क्षेत्र में, बाबा के क्षेत्र में मनीष भैया आए और सबसे पहले आए, हम दावे के साथ कर रहे हैं क्या? सबसे सही की गलत? सही सही। हाँ बाबा, सही की गलत? ना दावे कल ठीक सबसे पहले जी। हाँ, इन्हें कल है से ना, तो रोज पांच रोज रोज दिन आते थे, रोज आ रहे थे जी। हाँ, तो यहाँ पहुँचते हैं और हम खबर दिखाते हैं तभी पता चलता है कि क्या चल रहा है। और सिर्फ सोनू के गांव में आने से नहीं होगा, यहाँ के और सोनू के बारे में सोचिए, दिखाइए। अच्छा, मनीष भैया कहे थे कि जिसका हक है वही राजा बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा? नहीं, तो उनका नारा तो वही था, बुतरवन लिखा था उस पर, किताब पर लिख के रख रखा है। हाँ, वो सब देखवे किए थे मनीष भैया, आए थे ना मनीष जी, तो देखे थे, आए थे। और क्या सब कहे कहो जी, और क्या सब देखे, क्या सब दिखाए? दिखाए उन्हें कैसा है समुदाय भवन, क्या यह सब, कहाँ पढ़ते थे सोनू, कहाँ पढ़ाता था बच्चा को, है सब देखे। यही से देखे। कितना सरकारी व्यवस्था का लाभ आप लोगों तक मिल रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सर, अब तक तो कुछ नहीं मिल रहा है, आगे देखिए क्या होगा। मनीष भी आए थे आपके गाँव? हाँ आए थे। कब आए? बस 14 मई को हुआ है गए मिलने सोनू, और 15 मई को आए हैं। अच्छा। और इनसे पहले कितना लोग आए? इनसे पहले तो एक भी नहीं आए थे। एक भी नहीं आए? एक भी नहीं। और सबसे पहले वो पहुंच गए? सबसे फर्स्ट बार वही आए हैं। और क्या सब कहे वो? और वो तो कह के गए हैं, ऐसा आश्वासन दिए हैं कि इस गांव से ही सोनू का मतलब विकास हुआ है, और यहीं से यहीं के बच्चा को पढ़ा करके अपना कार्य, अपना अच्छा मेहनत करके गया है, और वो सोनू तो चला जाएगा, और भी सोनू है उनको फिर ध्यान देना चाहिए। तो कितने लोग ध्यान देने? अब तक पप्पू यादव सिर्फ आए हैं, वो भी सोनू मनीष कश्यप भैया के साथ में, और अब तक तो नहीं आया कोई। अच्छा, एक पप्पू यादव आए हैं, वो भी मनीष कश्यप के साथ जी। क्या अच्छा, आपको क्या लगता है बाबा, आपको क्या लगता है? सही बात बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो पासवान टोला का उधार कैसे होगा? उधार तो आप ही करिएगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं सर कि हम उतना बोल सकते हैं। अच्छा, जितना नेता आपके बगल के गाँव में आ रहा है, मनीष जी बोले कि यहाँ पानी की व्यवस्था कर देंगे, स्कूल बनवा देंगे जी, संकुल बोले। हाँ, हाँ, क्या 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 कहें? बहुत तो बहुत चीज में मांग कर रहे हैं कि कौन कौन गरीब टोला, कौन कौन मनीष जी, कि जो स्कूल नहीं है, नल जल नहीं है, ये सब के सुविधा, बड़ी गरीब टोला है, बड़ी भलाई कर रहे हैं, मगर बात और कौन कौन उठाया? ये सब बात तो आप कोई भी नहीं अभी बोले हैं, और कोई भी इस बात को नहीं बोले हैं, इकलौता चैनल सच तक है ये भी कह रहे हैं, वो इस बात को उठाया है, सही की गलत? हाँ नहीं, सही बात, और इस चीज को सभी लोग उठाइए, यहाँ आइए दिखाइए, और आप ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही जगह पे सच तक की टीम लगी हुई है, हम ग्राउंड तक पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, कड़कती धूप में सड़क पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग एक कुटिया के नीचे मंदिर में बैठे हुए हैं, इस धूप में हम पहुँचे हैं यहाँ, और हम दिखा रहे हैं इस गाँव की हालात को, अभी लेके चलेंगे आगे, और अलग अलग वीडियो सीरीज में आपको इस पासवान टोले के छोटे छोटे गली से मिलवाएंगे, महिला से, पुरुष से, बच्चे से, युवाओं से, सभी से समस्या को जानवाएंगे कि वाकई में इस पासवान टोला में कितनी बड़ी समस्या है। जितने नेता बगल के टोला में आ रहे हैं, इसी गांव का वो भी एक टोला है,
उसके आधे नेते भी अगर यहाँ चले आते और आधे सोशल एक्टिविस्ट भी अगर इस खबर को दिखा देते तो शायद इस गांव का कुछ उद्धार हो जाता। जहाँ जाने का एक समुचित सड़क नहीं है, एक विद्यालय नहीं है, पीने के लिए स्वच्छ पेयजल के लिए कोई नलजल का व्यवस्था नहीं है, वो सब चीज़ सुधर जाता। फिलहाल आपको क्या लगता है आप बताइएगा और आगे की वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसी वीडियो में आपको इस जी बताइए सर। सर यहाँ सोनू पढ़ाते थे इसी जगह पर जी। हम लोग के भी बहुत खुशी हुआ मनीष कश्यप के द्वारा, हम लोग बहुत खुश हैं। लेकिन सोनू तो यहाँ से चले जाएंगे किसी स्कूल में, जो भी उनका नामांकन करेगा चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को भी बच्चा है बहुत सा, नहीं स्कूल का यहाँ व्यवस्था है, यहाँ कोई स्कूल का व्यवस्था नहीं है न पढ़ने का। अगर स्कूल भी है तो चैनपुर स्कूल है जो कि रोड पार करके जाना पड़ता है, हम लोग दुर्घटना होने की डर है। इसलिए अगर जो भी यहाँ स्कूल बना देंगे तो हम समझें कि हमारा वही मुख्यमंत्री है, और नहीं तो ऐसा हम कुछ नहीं समझेंगे कि हमारा कोई सरकार मदद करने वाला है गरीब को, समझिए ना सर। उम्मीद किस उम्मीद है? उम्मीद जो यहाँ कोई कुछ कर देगा तो हम समझेंगे कि वो हमारा मुख्यमंत्री है। ऐसे हम किसी को नहीं समझते हैं कि हमारा कोई प्रदेश में मुख्यमंत्री। आपके गांव में कितने लोग अभी तक आए? वही मीडिया वाले आए थे, क्या नाम मनीष मनीष भैया ने आए थे, सबसे पहले आए थे और ये गांव को वीडियो वायरल कर दिए। सोनू जी के गांव के साथ साथ हमारे लगे हुए पासवान नगर है उसी को साथ मनीष भैया को देन है कि इस गांव को आगे बढ़ाए हैं। और मुख उनका लाए हैं मनीष जी पप्पू यादव के, आओ कहाँ के लोग कोई लिखी ना। वही ना मनीष भैया ना लाए हैं, वही मनीष भैया पप्पू जी के लाए थे। आज जो चिराग पासवान सुन रहे हैं कि आने वाले हैं, अगर मनीष भैया साथ रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि जरूर चिराग पासवान को यहाँ लाएंगे, हम लोग उनका व्यवस्था भी कर दिए। जी आपका भी इंतजार, यहाँ के पासवान बस्ती के लोग आपका भी इंतजार कर रहे हैं, फुर्सत मिले तो जरा कुछ देर के लिए आ जाइएगा, इनसे मिलिएगा। चलिए अब इन सभी लोगों के साथ, छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग युवा सभी के साथ इस कड़कते हुए धूप में आपको पासवान टोला का भ्रमण करवाते हैं ताकि दिल्ली बिहार पटना में बैठे जितने भी एसी में बैठने वाले आला कमान है ना, उन्हें भी पता चल जाए कि पासवान टोला के लोग कैसे अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सब चीज़ दिखाते हैं।